बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है वह खैर आफियत से होंगे। गैरज इन साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी की तरफ से मैं आपका प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहता हूँ। टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स एंड उर्दू ट्रांसलेशन। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये फर्स्ट ईयर के लिए है, और उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है, आपको पता है कि सिलसिला जो है वो रिकॉर्डेड या फिर ऑनलाइन है। डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स में आजकल ये बहुत ज़्यादा चला है, और आजकल आपको पता है कोविड का भी जो भी हमारे पास एप्रिहेंशन हैं उसकी वजह से वी आर डूइंग दिस। वी हैव टू इम्प्रूव लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आफ्टर दिस। यू नो दैट दिस इज एन आर्ट्स। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक आर्ट्स है, और आर्ट्स को जाहिर टेक्निक से सीखना पड़ता है। अगर मुश्किल है तो इजी बनाना आपका काम है, मेरा काम है, दोनों का काम है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू डू। चैप्टर हमारा हंगर एंड पॉपुलेशन फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ओके जी। व्हाट इज लाइक टू बी रियली हंग्री? वाकई भूखे होने का क्या मतलब है? एक्सपेक्ट, मैं तवक्को करता हूँ दैट एट सम टाइम के बाज़ औकात यू हैव ऑल कम होम आफ्टर एनर्जेटिक गेम, के बहुत मेहनत मशक्क़त वाला का खेल खेलने के बाद, जैसा कि फुटबॉल है या नेटबॉल है, इसको खेलने के बाद आप आए हों चंद घंटे के बाद, व्हेन यू हैव बीन टू बिजी, और आप बहुत मसरूफ़ रहे हों खाने में, और कहा हो खाने के लिए, और कहा हो आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। तो स्टार्विंग का मतलब है बहुत शदीद भूख का लगना। बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, मगर ये जो भूख है आपकी ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहती। तो स्टार्विंग मीन है यहाँ पर शदीद भूख होना, जिसको वैसे फाका कशी है इसका। ठीक है, इंटेंस हंगर। इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी, अगर आपका खाना उस वक़्त रेडी नहीं था आपके लिए, आफ्टर फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, रोटी के चंद स्लाइसेस लेने के बाद, और एंड बटर, और फिर या बटर के साथ, यू फॉरगट ऑल अबाउट दोज हंगर एंड पैंग्स। तो आप उन तमाम भूख से उठने वाली तकालीफ को, यानी कि कहते हैं कि मेरे पेट में बल उठ रहे हैं खाने की वजह से, भूख की वजह से, पैंग्स। ठीक है, तो पैंग्स का मतलब है वो दर्द, वो टीसें हैं, वो जो बरमरोड़ है, यानी कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि जी मेरे, मैं तो अगर खाना ना खाऊं तो मुझे ये हो जाए, वो हो जाए, दैट्स लाइक दिस। ठीक है, बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे। बट मगर हंगर डज नॉट मीन, भूख का यह मतलब नहीं है कि मिसिंग वन मील, एक वक्त का खाना छोड़ दिया जाए, और इवन मील्स, या फिर बहुत और खाने छोड़ दिए जाए पूरे दिन के लिए। इट मीन, इसका मतलब ये है, नेवर हैविंग इनफ टू ईट, कि खाने के लिए ना काफी होना, यानी कि खाने के लिए बहुत कम होना। इट मीन, इसका मतलब ये भी है, व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट, कि आपके पास खाने के लिए कुछ था, एट लीस्ट एज मच एज अगेन, और तकरीबन दोबारा। इट ऑल्सो मीन, इसका ये भी मतलब है, अ सिचुएशन, एक ऐसी कैफियत इन विच यू आर ऑलवेज वंडरिंग, जिसमें आप हमेशा हैरान होते हैं, वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, के दूसरे वक्त का खाना कहाँ से आएगा, और या इवन इफ देयर विल बी ए नेक्स्ट मील, या फिर उसके बाद वाला खाना कहाँ से आएगा। आर्थर हॉपक्रॉफ्ट ऑफ द गार्डियन, तो ये अखबार का नाम है गार्डियन, और आर्थर हॉपक्रॉफ्ट इसके जो अखबार नवीस है। ऑफ स्टार्विंग ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग अ न्यूट्रिशन सेंटर कीनिया, जब उसने कीनिया के एक गजाई मरकज का विजिट किया, और जहाँ पर उसने भूखे बच्चों से मुलाकात की, उसके बाद वो लिखता है, दे आर द चिल्ड्रन, वो ऐसे बच्चे हैं हुज आइज स्टेयर एज इफ ब्लाइंड, उनकी आंखें ऐसी खुली हैं। ठीक है, स्टेयर का मतलब है यहाँ पर ओपन्ड, उनकी आंखें ऐसी खुली हैं
जैसे कि वो अंधे हों, हुज लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक्स ऑफ लिक्रिस, और जिनकी टांगे और बाजू ऐसे हैं जैसे मुलट्ठी की डंडियां। ठीक है, तो मुलट्ठी जो है वो सौंफ का जो एक छोटा सा बिल्कुल बारीक सा जो तना सा होता है, स्टेम होता है, उसकी बात कर रहा है, तो स्टेम की बात कर रहा है ये लिक्रिस मलट्ठी। हु नीदर क्राई, ना तो ये बच्चे रोते हैं नॉर लाफ, ना ही हंसते हैं, और हु इवे 10 पाउंड एट द एज ऑफ 2 ईयर्स, और 10 साल की उम्र में इसकी जो वजन है इनका वो 10 पाउंड है। ये तर्जमा है, ठीक है, इसको आप जो है कि वो देख सकते हैं, और मैंने तो ट्रांसलेशन कर दी है। ठीक है, तो आप इसी को आज आपकी जो है वो हेल्पफुल होगा, कहीं से अब अगर कुछ रह जाता है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इज इट ओके? तो यू कैन रीड इट। अगेन, फेमिन हैज बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, क्या शुरू से ही एक मसला रहा है। द अर्ली हंटर सफर्ड सफर ग्रेव शॉर्टेज ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, एंड क्वाइट दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टार्वेशन फ्रॉम हिम एंड हिज फैमिली। क्या शुरू से एक मसला रहा है, इब्तदाई ज़माने का शिकारी मौसम सरमा के महीनों में खुराक की शदीद किल्लत का शिकार होता था। अक्सर ये किल्लत इतनी संगीन होती थी कि इससे वो आदमी शिकारी और इसकी फैमिली फाका कशी का शिकार होते थे। तो सफर का जो मतलब है वो ये है कि शिकार हो जाना, ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास स्टारवेशन है, जिसके पास किल्लत है, इसका मतलब है सीरियस का मतलब है संगीन। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन वाज कार्व्ड इन ग्रेनाइट बाय इजिप्शियन फेरवा, कहत के इब्तदाई रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड मिस्री फिरौन बादशाह ने पत्थर पर कुंदा करके किया था। तो कुंदा का मतलब होता है जो चेजल से और किसी ऐसी इक्विपमेंट से जो खोद कर लिखवाते हैं पत्थर पे या लकड़ी पे, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, कार्विंग। तो कार्विंग लकड़ी पर या फिर लोहे किसी भी मेटल पर नक्श निगार डालना। तो फेरवा से मुराद यहाँ पर फिरौन है। ठीक है, ही सेड, उसने लिखवाया, ड्यूरिंग माई रेन, ड्यूरिंग रेन का मतलब यहाँ पर दौरे हुकूमत में, द नाइल दरियाए नील हैज नॉट बीन फ्लड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल में सैलाब ही नहीं आया, सैलाबी रेला ही नहीं आया। कॉर्न स्केर्स, अनाज की किल्लत है, स्केर्स का मतलब है यहाँ पर कमी हो जाना। ठीक है, इसका इसका मतलब है लेसनिंग, बहुत कम है यहाँ पर। एंड फूड इज लैकिंग, और गुजा की किल्लत है, गुजा बहुत कम है। दोज हु रैन कैन नॉट इवन वॉक, जो चल सकते, जो दौड़ सकते थे, अब चलने के काबिल नहीं रहे। द फूड बिन्स आर ब्रोकन ओपन एंड एम्प्टी, जब गुजाई यानी कि फूड के डब्बों को, खुराक के डब्बों को जब तोड़ा गया, उनके जख़ीरों को जब तोड़ा गया, तो वो बिल्कुल खाली बरामद हुए। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, यह हर चीज़ का अख्ताम था। अच्छा जी, सो वी हैव रेड इन द बाइबल ऑफ मैनी केसेस ऑफ फेमिन, हम इंजील में कहत के कई वाक़यात का जिक्र पढ़ते हैं। देयर वर 7 ईयर्स ऑफ फेमिन इन इजिप्ट। अच्छा जी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र और इसके इर्द गिर्द नवाह में 7 साल का कहत पड़ा, एंड सराउंडिंग्स और इसके इर्द गिर्द कंट्री साइड देहाती इलाकों में ड्यूरिंग टाइम ऑफ जोसेफ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ठीक है, तो जोसेफ से मुराद हम लेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और उसके साथ जो सराउंडिंग्स है वो इर्द गिर्द का इलाका है, और 7 ईयर्स का। वाइड स्प्रेड डिजास्टर एवर्टेड बाय द प्रीवियस कंपल्सरी शॉर्टेज ऑफ फूड अंडर जोसेफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। अच्छा जी, तो महज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेर इंतजाम वाफिर पैदावार के दौरान खुराक के सबका लाजमी जखीरों की वजह से बड़ी तबाही से बचा लिया गया। अवर्ट का मतलब यहाँ पर सेव किया गया। ठीक है, वाइड स्प्रेड डिजास्टर दूर दराज फैलने वाली तबाही है इसका मतलब। ठीक है, अच्छा जी,
Egypt was saved from famine by this national effort. इस कौमी कोशिश की वजह से मिस्र कहत से बच गया, ठीक है. बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज वर लेफ्ट हंग्री, मगर इसके इर्द गिर्द के ममालिक के कई लोग, यानी कि जो उसके साथ पास इलाके थे, तो इसके इर्द गिर्द के कई लोग एज इट इज रहे, भूखे ही रहे. जोसेफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने ही भाई केम टू इजिप्ट फ्रॉम पैलेस्टाइन, फलस्तीन से मिस्र गल्ला खरीदने के लिए आए, ठीक है, अनाज खरीदने के लिए आए. फर्स्ट ईयर को मैं ज़रा समझा देता हूँ. पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए पहला है ऑनरेरी. He is an honorary editor of Daily Jung. एजाजी तौर पर जो किसी को एजाज के तौर पर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरी. उसके बाद है ऑनरेबल. मोजेस, मिस्टर गोंजल इज एन ऑनरेबल पर्सन. ह्यूमिलिटी, माई फादर ह्यूमिलिटी इज प्रेजवर्दी. मेरे वालिद साहब की इनकसारी, आजजी, ठीक है, बहुत काबिल तारीफ है. अच्छा जी, ह्यूमिलिएशन, जिल्लत. लायर्स, झूठे हैं. सफर ह्यूमिलिएशन व्हेन ट्रुथ इज प्रूवन, जब सच साबित हो जाती है तो ये जिल्लत उनका मजाक उड़ाती है. गॉट, नेक्स्ट स्लाइड देखें. इंडस्ट्रियल, सनती. देयर इज नो इंडस्ट्रियल स्कूल इन दिस टाउन, इस कस्बे में कोई सनरी स्कूल नहीं. इंडस्ट्रियस, आई फाउंड नदीम एज इंडस्ट्रियल पर्सन, और मुझे नदीम बहुत ही ईमानदार मेहनती शख्स लगा. जुडिशियल, अदालती. एवरीवन हैज़ टू फॉलो जुडिशियल वर्डिक्ट्स, हर शख्स को अदालती कार्रवाई की पैरवी करनी है. जुडिशियस का मतलब है अक्लमंद. बींग अ जुडिशियस, अक्लमंद होने के नाते आई रिजॉल्व दिस इशू, मैंने इस मसले को हल कर दिया. नॉटी, ये पता ही आपको, आप लोग खुद ही हैं. नॉटी, पेचीदा. आई सॉल्व्ड अ नॉटी प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने एक पेचीदा मसले को हल किया. तो ये था आपका पेयर ऑफ वर्ड्स. आई डू होप दैट यू हैव गॉट योर लेसन टुडे. इफ यू फील एनी हेजिटेशन, सो अगर कोई हिचकिचाहट का मसला हो, यू कैन डिस्कस टुमारो. इज इट ऑफिशियल, दफ्तरी. ऑफिशियस खुद को बड़ा समझने वाला. द पैनल अनाउंसेस हिज नेम ऑफिशियली. पैनल ग्रुप होता है. ऑफिशियल खुद को बड़ा समझने वाला. राबिया डज नॉट प्रेफर एनीवन, शी ऑलवेज कंसिडर्स हरसेल्फ इन द ऑफिशियस, ठीक है जी. काबिल रहम, पिटीएबल. द पेशेंट्स कंडीशन वॉज पिटीएबल इन ICU, पिटीफुल. पुर रहम, रहम करने वाला. शी कास्ट पिटीफुल लुक्स एट हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे पर काबिल रहम जो है वो नज़र डाली. प्लेन, मैदान. सऊदी अरेबिया इज़ अ हिली कंट्री, सऊदी अरेबिया एक पहाड़ी मुल्क है. विद वास्ट डेजर्ट, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैदान हैं. एंड प्लेन्स, और दरिया, मैदान और वास्ट, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, ठीक है. प्लेन, अब प्लेन का मतलब यहाँ पर जहाज़ है. आबिदा, ट्रेवल बाय प्लेन. पॉपुलर, हर दिल अजीज. जिना वॉज अ पॉपुलर लीडर, पॉपुलस. चाइना इज़ द पॉपुलस कंट्री. रिंग, बजाओ. द पीएन रिंग्स द बेल. रिंग, निचोड़ो. डब्ल्यू से जो है वो रिंग निचोड़ो. रिंग दिस टॉवल, इस टॉवल को निचोड़ दो. सेल, फरोख. द बुक आर फॉर सेल. सेल है दूसरा बादबान, ठीक है. आई डू होप यू गॉट वेल. ये आपका लेसन था, और बाकी जो मैंने लेसन हैं वो कवर हैं, जो इस पे दिया जा सकता था इजीली और बोरिंग भी ना हो, तो ये मैंने दे दिया है. जस्ट यू हैव टू डू फर्स्ट ईयर, ओके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम. आपको जनाब वक्त देने का बहुत शुक्रिया. आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें बर्दाश्त किया. आई डू होप दिस ईयर विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ जॉयज एंड हैप्पीनेस फॉर यू एंड योर फैमिली. So with this, Happy New Year. Okay? So, बहुत खुशियों वाला साल हो आपके लिए. आमीन सुम्मा आमीन.